इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी, बट आईआईटी डज नॉट ऑलवेज मीन इंजीनियरिंग। तो इस लाइन को जीने के लिए आपको करनी होती है 2 साल कड़ी मेहनत और कई बार 3 साल भी। तो क्या मेरी 3 साल की स्टोरी सुनना चाहोगे? तो बचपन से ही यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरी एजुकेशन एक ही स्कूल में हुई और 9th क्लास में पहली बार टॉप करने के बाद मेरा जोश अलग ही लेवल पे था। तो 10th क्लास में मैंने डेडिकेशन से पढ़ाई की थी जिसकी वजह से बने थे मेरे 96% और 10th क्लास के बाद मेरे पास थे 3 ऑप्शंस, PCM, PCB या फिर कॉमर्स। तो जनरली जिन बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स होते हैं साइंस उन्हीं के लिए बनी होती है, ऐसी धारणा थी हमारे फ्रेंड सर्कल में, जिसकी वजह से मैंने भी चुन ली PCM। तो 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के जा चुके थे क्योंकि उन्हें अपनी 11th 12th कहीं और से करनी थी। तो इन्हीं में था मेरा एक दोस्त ध्रुव जो कि अपनी IIT JEE की तैयारी करना चाहता था आकाश इंस्टीट्यूट से। तो एक दिन ऐसे ही वो स्कूल में आया था अपना रिजल्ट लेने। तो जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? तो उसने मुझे IIT के बारे में सब कुछ बताया। फिर मैंने सोचा कि मेरा लेवल तो भाई नहीं है और 11th क्लास के मिड सेम में बने थे मेरे 93%, जिससे ये पता लगता है कि मेरी 11th ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन रियलिटी ये थी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करता था। स्कूल के पेपर में या तो डेरिवेशन होते थे या फिर थ्योरी, जिनको मैं रट के चलाया करता था और उसमें लिख देता था। और उस टाइम पे मैं अलग पांडे सर को भी नहीं जानता क्योंकि मैं कभी फिजिक्स के लेक्चर ऑनलाइन देखा ही नहीं था। जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था उतना ही मैं पढ़ लेता था। और मुझे याद है तारीख थी 18 मार्च 2020 और हमारा लास्ट पेपर था 19 तारीख को केमिस्ट्री का। और उसके बाद मैसेज आता है कि पेपर कैंसिल हो गए हैं क्योंकि कोरोना आ गया था और 21 मार्च से अनाउंस कर दिया गया था लॉकडाउन और हम हो चुके थे प्रमोट 12th क्लास में। तो स्टार्टिंग से 12th क्लास की चली हमारी ऑनलाइन क्लासेज। तो जब मैं पहले 2 दिन क्लास में गया तो मुझे पता लग गया था कि ऑनलाइन तो कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मैंने टीचर से कुछ भी बहाना मार के ऑनलाइन क्लासेज छोड़ दी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद तैयारी करूंगा अपने 12th क्लास की। IIT के लिए मैं जब भी सीरियस नहीं हुआ था। और फिर मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन पढ़ना। पहली बार मैं पढ़ा अलग पांडे सर से, उनका पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। और उस लेक्चर को देख के मुझे पता लग गया था कि इंडिया में उस टाइम पे इससे अच्छा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता। और मैथ्स में पढ़ता था NV सर जो अनअकैडमी पर पढ़ाते थे। मैंने रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री 1 हफ्ते में ख़त्म कर दिया था। तो 12th क्लास के स्टार्टिंग के 2 महीने अप्रैल और मई मैं इतने डेडिकेशन से पढ़ा था कि मेरे फिजिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था और मैथ्स में मैं करीब फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट करने वाला था। केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल पढ़ाई करना बंद ही कर दिया था। मैं जस्ट जो मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज करता था, लेकिन मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ रहा था। ना ही मैं न्यूमेरिकल्स बना रहा था, ना ही मैं थ्योरी को डेडिकेशन से पढ़ रहा था और ना ही मेरा कोई शेड्यूल था। मैं कहीं भी बैठ के कभी भी कुछ भी करता था। नवंबर के बीच में हमारे स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे तो ऑफलाइन में जाने लगा था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा डामाडोल था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं ओ भी नहीं जानता था। और दिसंबर में NTA रिलीज करता है, यही मेन 2021 के एप्लीकेशन। और इस साल 2 अटेम्प्ट ना होकर 4 अटेम्प्ट होने वाले थे, जिससे कि मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे अपनी तैयारी का टाइम मिल जाता। और सिमिलरली बोर्ड की डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई थी मई तक। तो फरवरी में था मेरा पहला अटेम्प्ट। जब मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ उसका रिजल्ट आया था 85.8%, जिससे मैं बिल्कुल ना खुश था। तो सेकंड टाइम था मेरा 18 दिन बाद ही मार्च में, जिसमें कि मेरी बनी थी 83%। और उसके बाद हमारे बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए थे, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी मैथ तो एकदम ख़राब ही थी उस टाइम पे। शायद मैं मैथ में 60 या 70 नंबर ही ला पाता बोर्ड्स में। और उस टाइम कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जिसकी वजह से NTA ने 3 महीने और डिले कर दिए लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स JEE के। थर्ड अटेम्प्ट में परसेंटाइल बना था 58, ये बहुत ज़्यादा कम परसेंटाइल था। और लास्ट अटैम्प्ट भी मैंने ऐसे ही दिया, लास्ट अटैम्प्ट में मेरे बने थे 82%। तो मेरा बेस्ट परसेंटाइल था 85.8। तो जिस दिन एडवांस का रिजल्ट आया था उस दिन मेरे मन में कुछ अलग ही चल रहा था। मैं बैठा, मैंने सोचा कि तुझे करना क्या है और अंदर से आवाज़ आई कि एक और ट्राई मार के देखते हैं। और मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया था कि मैं ड्रॉप लूँगा। 2 दिन में मैंने अपनी फैमिली कन्विंस कर ली और ड्रॉप के लिए मैं जाने वाला था कोटा। तो 14 अक्टूबर 2021 को हम निकल गए कोटा के लिए और 15 तारीख को हमने एडमिशन ले लिया NV सर के मोशन क्लासेस में। और अगले दिन जब पहली क्लास हुई मुझे पता लग गया था कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है
इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जिस लेवल का कंपटीशन मुझे वहाँ पर मिला वो मैंने आज तक नहीं देखा था, और पहली बार मैं घर से इतनी दूर भी आया था जिसकी वजह से मुझे होम सिकनेस हो रही थी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ रुकूँ। और अगले दिन मैं क्लास भी नहीं गया क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लूँगा और घर से पढ़ाई करूँगा, और ऑनलाइन मुझे समझ भी अच्छा आता था। तो 11 दिन कोटा में रह के 25 अक्टूबर 2021 को हम वापस घर आ गए। तो 26 तारीख को आके मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ टिल जनवरी एंड, क्योंकि मैंने बैक ऑफ द माइंड सोच रखा था कि मेरा जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट फरवरी में ही है और मुझे वही फोड़ना है, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में लोग इतना एफर्ट नहीं डालते और उसमें स्कोर करना इजी भी होता है। और 4 तारीख की थी दिवाली, और दिवाली आते आते मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस बढ़ गया, मैं जब भी पढ़ने बैठता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिलेबस नहीं कर पाऊंगा। बैक ऑफ द माइंड यही होता था कि मैं इतना सिलेबस कैसे कवर करूंगा, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ड्रॉप लेके। मैं सोचने लगा था कि कहीं मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। मैं सुबह पढ़ने बैठता था 8 बजे, और 1 घंटे पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो पढ़ा है उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही दिवाली गई मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। नवंबर के एंड में मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने पेज लिया और अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया। नवंबर के लिए मैंने टारगेट रखा था कि अपनी 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कर देनी है थ्रू मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग। और पहले दिन 1 नवंबर को मैं स्टार्ट किया मॉडर्न फिजिक्स से, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आसान होती है और उसे कवर करना भी ईजी है। मैंने वो सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बन जाता, और 1 महीने में बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक एक दिन एक एक घंटा अपना यूटिलाइज किया और मैंने वो कंप्लीट किया। मैंने अपना 12th क्लास का फिजिक्स नवंबर 2021 में कंप्लीट कर दिया था, और जनवरी आते आते मैंने सोचा कि अब मैं मैथ्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरी 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी थी और 11th की फिजिक्स मैं आधी कंप्लीट करने वाला था। मुझे आसपास की चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिनिमम दिन का 14 घंटे पढ़ने लगा था। मैं अपना एक कोने में बैठ के सिर्फ मेरे पास होती थी अपनी बुक, पेन और रफ कॉपी। मैंने सोच लिया था कि जब तक जेईई एडवांस नहीं हो जाता यही मेरे साथ ही हैं। तो जनवरी के एंड आते आते मैं 12th का मैथ्स भी कंप्लीट कर चुका था। मेरा कॉन्फिडेंस हाई था क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, और उस टाइम पे मैंने एक ऐप लिया था जिसका सब्सक्रिप्शन था मात्र 40 रुपये का, जो कि मुझे PYQs देता था 2000 से लेकर 2021 तक के, मेंस और एडवांस दोनों के। वहाँ पे मैंने 2000 से लेकर 2021 साल तक के सारे मेंस के PYQs सॉल्व किए। अब फरवरी में कोई संदेश नहीं थे कि NTA हमें डेट देगा, तो इसलिए फरवरी में मैंने 11th क्लास का मटेरियल उठा लिया। मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे फरवरी में काफी ज्यादा ध्यान दिया। तो अब आती है मार्च, और जेई मेन रिलीज करता है डेट्स ऑफ 2022। तो पहला हमारा अटेम्प्ट था 16 अप्रैल से लेके 20 या 21 अप्रैल तक। तो मैंने सोच लिया था कि मैं वापस से अब चीज़ों को करूंगा रिवाइज, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास सिर्फ 1.5 महीने बचा है। और मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था मार्च 15 को, जिसमें कि मेरे बने थे 120 नंबर 300 में से। मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट था, मैंने सोचा था कि कम से कम 160 बनने चाहिए। और आप मानोगे नहीं, मैंने अपना सेकंड मॉक टेस्ट दिया था उसके 1 महीने बाद, और उसमें बने थे मेरे 107 नंबर 300 में से। ये पहले से भी कम थे। मैं उस टाइम सोच रहा था कि मैंने उस 1 महीने में किया क्या, मेरे नंबर बढ़ने की बजाय गिर गए। और उसी टाइम पे NTA ने फिर से 2 महीने पोस्टपोन कर दी थी हमारी जेई मेंस 2022 की डेट्स, और ये मेरे लिए एक मिरेकल था। मेरे पास एक और मौका था कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, मैं अपने नंबर को जो 300 में से 107 आ रहे थे उनको वापस इंक्रीज करूं, 160-180 तक लेके जाऊं। मैंने तीसरा मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरे नंबर बने थे 145। मुझे इतना तो लग गया था कि मैं 95% टच कर सकता हूं। और उसके बाद होता है मेरा पहला जेई मेंस का अटैम्प्ट 19 जुलाई 2022। मैं पेपर लिख के आया, और जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 152। तो रिजल्ट आता है कुछ ही दिनों बाद, और मेरी परसेंटाइल बनती है 97.6। मेरी फैमिली काफ़ी खुश होती है, लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या 97.6 ही है वो परसेंटाइल। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मैंने टारगेट अपना वापस सेट किया कि 99 अबव ही चाहिए मुझे। तो वो 1 महीने में फिर से जमकर मेहनत किया। तो अब बारी थी डी डे पे अपना बेस्ट देने की। तो पेपर मेरा शाम को था, तो मैं 1 बजे निकल गया घर से अकेले सेंटर की तरफ, और सबसे पहले मैंने फिजिक्स किया। मैंने उसमें 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, केमिस्ट्री में 21 और मैथ्स में 10 या 11 क्वेश्चन किए। और जब जेई मेंस का पेपर ख़त्म हुआ मुझे एक रिलीफ मिला कि हाँ, जिसके लिए मैंने तैयारी की थी
कम से कम एक पड़ाव मैं पार कर चुका हूँ। एडवांस अभी बाकी था और कुछ दिन बाद आंसर की रिलीज होती है सेकंड अटेम्प्ट की, और मैंने एक पेपर लिया था जिसपे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 3 कॉलम बनाए थे और क्वेश्चन के आगे मैं राइट या रॉन्ग का निशान लगा रहा था। तो फिजिक्स में मेरे करीब 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए थे और केमिस्ट्री में मेरा हाथ सिर्फ टिक के लिए चल रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने 21 क्वेश्चन किए थे और 21 क्वेश्चन सही थे, और मैथ्स में मेरे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे और बाकी सारे सही गए थे, तो मेरे करीब 192 नंबर बन रहे थे। मुझे इतना लग रहा था कि मैं 99 के जस्ट बैरियर पे हूँ, या तो मैं आगे रहूँगा या पीछे रहूँगा। और 7 अगस्त को ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला है, तो सुबह मुझे खाना खाया ही नहीं गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और एक्साइटेड था रिजल्ट को लेकर। तो रात तक रिजल्ट नहीं आता है और वक्त था 2 AM ऑन 8th अगस्त। मैं अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप को देख रहा कि कब रिजल्ट आएगा, और यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन आती है जेई मेन्स अटेम्प्ट 2 रिजल्ट आउट। मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जितना भी मैंने मेहनत किया था पिछले 7 महीने में वो सब मेरे सामने फ्लैशबैक हो जाता है कि यही मोमेंट था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। मेरी फैमिली पूरा मेरे साथ बैठी होती है, मैं जेई मेन्स का साइट खोलता हूँ, उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ, उस पर अपना रोल नंबर डालता हूँ और कैप्चा भर के एंटर क्लिक करता हूँ, और जो नंबर मेरे सामने था वो था 98.13, और उस नंबर को देख के मेरी आँख में आंसू आ गए थे क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 85.8% थे और उसके बाद जो जो मेरे साथ हुआ ये उन सब का रिजल्ट था। पर मैं ये सोच रहा था कि ये वर्थ इट नहीं है, 99 आने चाहिए थे, और उसी फोर्स को मैंने यूज़ किया था अपनी जेई एडवांस की तैयारी के लिए। जेई एडवांस की तैयारी के लिए मेरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी सही थे जिसकी वजह से मैं PYQs लगाता था तो बन जाते थे, लेकिन मैथ्स मेरा बहुत बेकार था। तो 25 अगस्त को AYJR मैथोंगो ने जेई एडवांस मॉक टेस्ट कराया जिसमें कि मेरे नंबर बने थे 67 out of 420, और मेरी प्रिडिक्टेड रैंक थी 29,000 to 30,000, जिससे कि मैं पेपर से पहले काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। तो 28 अगस्त सुबह 7 बजे मैं चल दिया अपने घर से सेंटर की तरफ। नहीं मैं नर्वस था नहीं एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे पता था जी एडवांस के लिए मैं नहीं बना, तो जैसा पेपर होगा देखा जाएगा। और जब पहला पेपर मेरे सामने आता है तो पहले पेपर मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना ज़्यादा करता हूँ कि मैथ्स के लिए सिर्फ 5 मिनट बचती हैं, और सेकंड पेपर जब आता है उसमें पहले मैंने फिजिक्स किया देन मैथ्स किया कि मैथ्स का कट ऑफ तो क्लियर हो जाए, और सेकंड पेपर का आखिरी मिनट बचा था। मैंने क्वेश्चन देखना छोड़ दिया, मेरे हाथ में जो पेन था मैंने वो छोड़ दिया, और मैं आंख बंद करके सोचने लगा कि यही आखिरी मिनट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर ड्रॉप ईयर। अब तारीख आती है 11 सितंबर 2022, और 10 बजे रिजल्ट भी आने वाला था, पर मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि एडवांस में रैंक मेरी गंदी आने वाली है। तो करीब 9:55 हो रहा है और मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ, और धीरे धीरे 10 बजे की सुई पास आती जा रही है। 10 बजे मैं साइट चेक करता हूँ, रिजल्ट अनाउंस हो गया था लेकिन साइट क्रैश हो गई। मेरी फैमिली को लग रहा था कि 20 से 25 हज़ार रैंक आएगी क्योंकि मैंने उन्हें वही बताया था। मैं रूम में सिर्फ अकेला था रिजल्ट देखने के लिए। तो 10:10 पर मैं वापस से अपना रोल नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालता हूँ, कैप्चा एंटर करता हूँ। मैंने एंटर दबाया और जो नंबर मेरे सामने था वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। जितनी भी मैंने मेहनत पिछले 8 महीने में की थी, जितना भी स्ट्रगल मैंने पिछले 8 महीने में किया था, वो सब मेरे सामने फ्लैशबैक हो गया। वो नंबर था 9773CRA। मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई कि मैं ज़ोर से चिल्ला दिया और घर वाले ने बोला क्या हुआ, और मैं फिर सभी घर वालों के पास गया, मैंने सबका आशीर्वाद लिया, मैंने बोला कि मैं IITN बन गया। और उस टाइम मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी थी, डेट वॉज अ लाइफ टाइम मोमेंट। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैंने कल बोला था उनसे कि मेरी 20,000 रैंक आएगी, आज वो 10,000 के अंदर रैंक है और मैं आज IITN बन गया, और जो मैंने एक्सपीरियंस पिछले 7 से 8 महीने में लिया था वो शायद मैंने अभी तक नहीं लिया। मैं सीख गया था कि किसी लड़ाई को कैसे जीता जाता है और किसी लड़ाई की तैयारी कैसे की जाती है, और जो बच्चे अभी IIT की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में तुम्हें एक ना एक बार कभी ना कभी हार्डवर्क और स्ट्रगल करना ही है, अगर वो तुम जितनी जल्दी कर लो उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तुम्हें मेहनत करते रहना है, तुम्हें अपना मोटिवेशन ढूंढना है, तुम्हें किस लिए तैयारी करनी है, और एंड में अगर तुमने सच्ची ईमानदारी से मेहनत की है तुम रिज़ल्ट ज़रूर बनाओगे।